सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मन ही सब कुछ करता है। अरे मन दाता, मन लालची, मन राजा, मन रंक, जो यह मन गुरु सो मिले तो गुरु मिले निसंक। गुरु भी मिले और गोविंद भी मिले, ये मन का खेल है। अच्छा, आप इसको देखो, कभी व्रत रखिए तो मन कहता है बढ़िया बढ़िया चीजें खाएं, माला जप करो तो मन कहता है अरे क्या करना, और फिर माला छोड़ दो तो मन कहता है माला भी नहीं करता। व्रत में अगर कुछ ना खाएं, मान लो हमने अनाज छोड़ रखा है व्रत के अंदर, तो अनाज खाने की इच्छा होती है, और अगर अनाज खा लें तो मन कहता है कैसे व्यक्ति हो, एक दिन के लिए भी अपने पेट को शांत नहीं कर पाए। वही मन पहले कह रहा था कि अनाज खाओ, और वही मन आपको डांटता भी है। मन के अंदर दोनों गुण हैं। ये मन सत्मार्ग पे भी ले जा सकता है और दुर्मार्ग गलत मार्ग पर भी ले जा सकता है, क्योंकि मन दाता, मन लालची, मन ही दानी है और मन ही कृपण भी है, मन ही कंजूस भी है, मन राजा भी है और मन रंक भी है। इसीलिए इस मन का क्या करें, इस मन को भगवान में लगा दें। इसीलिए संतों ने कहा है कि मन को भगवान में लगा दिया जाए तो सारे मन के विकार दूर हो जाते हैं। इस प्रकार मन की बात करते हुए, मन का उपदेश करते हुए अंत में बता दिया कि इस मन को ही भगवान में लगा दो तो माता सारी चीजें मुक्त हो जाएंगी। कैसे भगवान में लगा दें? वाणी से भगवान की कथा करो, कानों से भगवान की कथा सुनो, मुंह से भगवान का भजन करो। इस प्रकार मन को भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित कर दो।